नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज बात करती हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की। हमारी सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामना। सभी के संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत पड़ता है और इसी दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत रखकर अपने संतान के कल्याण की कामना करती हैं। तो आज इस विषय पर बात करना चाहती हूँ कि यदि जो माताएं बहनें अपने सास का तर्पण कर रही हैं या दादी सास सास जैसे कि जिनकी सास नहीं है इस दुनिया में, तो वो बहू जो होती है वो उनका फर्ज होता है कि वह पितृपक्ष के दौरान अपने सास को तर्पण करें और उसके बाद नौमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध करें और मातृ विसर्जन करें। जैसा कि नौमी तिथि को माताओं का श्राद्ध भी होता है और उसी दिन मातृ विसर्जन भी होता है। तो बहुत सी माताओं बहनों के मन में ये प्रश्न होगा कि जैसा कि नियम है कि पितृपक्ष में माताएं बहनें अपने बालों को नहीं धोती हैं, तेल नहीं लगाती हैं, श्रृंगार नहीं करती हैं, नए वस्त्र नहीं धारण करती हैं, तो यह नियम है, तो अष्टमी तिथि जो पड़ रही है तो नवमी को श्राद्ध के बाद ही यह सब कार्य करती हैं महिलाएं, नवमी तिथि से ही करती हैं जब जिस दिन मातृ विसर्जन करना होता है। तो क्या जीवित पुत्रिका व्रत के दिन वह नए वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें, बालों को धुलें या ना धुलें? इस तरह की बहुत सी दुविधा मन में आती होगी। जो माताएं बहनें जानती हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो माताएं बहनें नहीं जानती हैं इस नियम को, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप जीवित पुत्रिका व्रत के दिन बालों को धो सकती हैं, नए वस्त्र धारण कर सकती हैं, क्योंकि आप इस व्रत के निमित्त यह कार्य कर रही हैं। लेकिन आप प्रतिपदा तिथि से ही अपने सास का तर्पण करती हुई आ रही हैं, तो उस दिन भी आप तर्पण करेंगी। ऐसा नहीं है कि जीवित पुत्रिका व्रत आप रख रही हैं तो उस दिन तर्पण नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ये आप भ्रम मत अपने मन में रखिएगा, किसी प्रकार की शंका मत मन में रखिएगा। आप सुबह नित्य जैसे उठती हैं, उठने के बाद स्नान करने के बाद आप सूर्य को भी जल दीजिए, तुलसी जी को जल दीजिए, हो सके तो पीपल में जल दीजिए, दैनिक पूजा भी कीजिए और अपनी माता पूर्वजों के लिए तर्पण भी कीजिए। उसके बाद आप दिन भर निर्जला व्रत रखिए, नया वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। कहीं कहीं यह मान्यता है कि कहा जाता है कि ऐसा वस्त्र धारण करें माताएं कि जिसको एक बार पहना हुआ हो, जैसे पूजा में किसी पहनी हो या किसी पूजा पाठ में पहन के फिर रख दिया हो, ऐसा वस्त्र धारण कर सकती हैं बिल्कुल नया। यदि मन में किसी प्रकार की शंका है, आपके बड़े बुजुर्ग ऐसा बताते हैं, तो ऐसा भी नियम है कि आप वह वस्त्र धारण कर सकती हैं, बिल्कुल पुराना ना हो, एक बार का पहना हुआ हो तो आप उसे धारण कर लीजिए, बालों को धुलिए, श्रृंगार भी कर सकती हैं। और उस क्योंकि ये सारे कार्य व्रत के निमित्त किए जा रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं बताया जाता है, आप उसी तरह करिए। और फिर जब नवमी तिथि आती है, जिस दिन आपका पारण होता है, उस दिन भी आप दैनिक पूजा करें नित्य के तरह, और तर्पण उस दिन भी करना होता है क्योंकि दोपहर में मातृ विसर्जन का समय होता है, दान का समय होता है, ब्राह्मण को भोज कराने का समय सब दोपहर का होता है, तो सुबह आप तर्पण करें। आप मन में ये बिल्कुल शंका न लाएं कि व्रत का दिन है तो आज हमें तर्पण नहीं करना है, पानी नहीं देना है। तो बहुत से लोग अगर जो तर्पण नहीं समझ रहे होंगे, तो जो पानी दिया जाता है अपने मृत पूर्वजों को उनकी आत्मा की शांति के लिए, उसी को तर्पण भी कहते हैं। तो माताएं बहनें ये बात जान ले। तो जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान मैंने सोचा कि बहुत सी माताओं बहनों को यह भ्रम होगा या शंका होगा कि हम लोग 9 दिनों तक नया वस्त्र नहीं पहनते हैं, बालों को नहीं धुलते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं, कंघी तो आप कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले का समय और हमारी दादी नानी जो होती थी माँ, वो लोग बहुत ही अच्छे से सारा नियम निभाती थी। तो अब नियम थोड़े कम ही देखती हूँ कि माताएं बहनें कम निभाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी परंपरा को पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं ये बता देती हूँ कि इस तरह का मन में किसी भी तरह का भ्रम या शंका न पालें। आप जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भी पितृ के लिए भी पूरा नियम निभाएं और अपने व्रत का भी पूरा नियम निभाएं, किसी भी तरह का कोई इसमें दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है जीवित पुत्रिका व्रत जब किया जाता है और शाम के टाइम जब पूजन करने अरियार बरियार पौधे की पूजन करने के लिए जाया जाता है, तो क्या मंत्र बोला जाता है? यह बहुत ही प्राचीन काल से हमारे पूर्वज लोग, हमारी माताएं
हमारी दादी बताती चली आती हैं कि यह क्या बोला जाता है। आप भगवान का भी मंत्र बोल सकती हैं, सर्व मंगल मांगल्य भी बोल सकती हैं, लेकिन एक मंत्र है जो स्पेशल इस व्रत में कहा जाता है, तो इस प्रकार आप बोलें रास्ते में जाते समय या पूजन करते समय या वापस आते समय आप यह मंत्र बोलें, हे जिमूत वाहन भगवान, जाकर श्री रामचंद्र प्रभु जी से कहिएगा कि आज जिसकी आप माँ है, आप अपने संतान का नाम लीजिए, जैसे मेरे पुत्र का नाम शिव है तो मैं बोलूँ कि शिव की मम्मी जीवित पुत्र का व्रत आज धारण की है। ऐसे ही आप बोलते हुए जाइए, हे जिमूत वाहन भगवान, जाकर श्री रामचंद्र प्रभु से कहिएगा कि शिव की मम्मी ज्योतिया व्रत रख रही है या धारण की है या व्रत है। इस तरह से आप कहते हुए आपके जितने भी संतान हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, जिसका भी आप नाम लेना चाहती हैं, बारी बारी से अगर एक दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो आप उसी तरह से बारी बारी से सभी का नाम लेते हुए जाएं और पूजन करें। ऐसा ये पुरानी मान्यता है, ये नियम है, तो इसको हम लोग निभाते हैं। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को भी यह जानकारी मैं दे दूँ। तो इस तरह से आप लोग बोलते हुए जाइएगा। और वैसे तो भगवान का मंत्र, भोलेनाथ जी का, माता पार्वती जी का मंत्र या उनका श्लोक आप सब कुछ कर सकती हैं पूजा के दौरान, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यह मंत्र आप अरियार बरियार की पूजा करते समय भी जरूर बोल दीजिएगा। तो ये थी सारी बातें पितृपक्ष को लेकर और जीवित पुत्र का व्रत को लेकर, कि जिससे कि हमारी माताओं बहनों को किसी प्रकार की दुविधा ना रह जाए। आप सभी को जीवित पुत्र का व्रत की हार्दिक शुभकामना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमः शिवाय।